नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक है पंच डिटेल्स, मतलब पंच का डिस्क्रिप्शन, उसकी पंच की हाइट, अपर पंच में और लोअर पंच में क्या डिफरेंस है, डस्ट कप्स क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, पंच की मतलब राउंड शेप में होती है या कैप्सूल शेप में होती है, ठीक है, उसकी हाइट कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं, और उनका सीरियल नंबर कहाँ से हमको देखना होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से देखना होता है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम कहाँ होता है, किस मैन्युफैक्चर मतलब किस पार्टी से अपने पंच आए हुए हैं ये कहाँ से देखना है, तो ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना होगा, स्किप मत करो, ताकि आप पूरे या पूरी चीज जो मैंने बताई है वो आप समझ पाओ। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अपर पंचेस है कैप्सूल शेप में, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पंच का हेड है, ये की है, ये नेक है, ये बैरल, ठीक है, और ये ग्रू है जो यहाँ हम लोग पंच का जो डस्ट कप्स जो आते हैं वो डस्ट कप्स जो यहाँ इतनी सी जो जगह बनाई है उसमें डस्ट कप्स लगते हैं, ठीक है, और ये स्टेम है और आगे का आपका पंच टिप। तो ये जैसे ये नेक बी टूलिंग पंचेस एंड डाइज है और ये स्टेम है, और ये सर्कल में मैंने किया है जो पंच की होती है, तो बैक साइड से ये फ्रंट साइड ये है और इसका बैक साइड ये है, तो एलन की यूज करके हम लोग ये पंच की मतलब उसकी हाइट कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये इसलिए होता है। तो अभी ये फर्स्ट सवाल है कि अपर पंच में की मतलब राउंड शेप में होती है कि कैप्सूल शेप में होती है, तो की जो होती है कैप्सूल मतलब जो शेप शेप जो पंच है उसी शेप में ही की आती है, राउंड शेप जो पंचेस है उसमें की नहीं होती है। राउंड शेप में की इसलिए नहीं होती है कि अगर राउंड है तो आप पंच को रोटेट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर कैप्सूल शेप में आपकी टैबलेट फॉर्म है, ओवल शेप में है, तो उस केसेस में आपको अपर पंच में की प्रोवाइड की जाती है। ये की इसलिए होती है कि रनिंग में मशीन रनिंग में आपका पंच रोटेट ना हो, घूमे नहीं, मतलब जो डाई के साथ अलाइनमेंट है उसकी उसी में ही वो टैबलेट फॉर्म करे। अगर ये की नहीं रह गई तो आपका पंच रोटेट करके डाई या पंच टिप डैमेज कर सकता है, तो वो ना हो, मतलब जो पोजीशन एक बार हमने मतलब कभी भी देखना अपर पंच जो मतलब शेप्ड पंचेस होते हैं, तो मशीन पे सेटिंग में ये भी आपको बहुत बार सवाल पूछा जाएगा कि जो सेफ पंचेस जो है वो सेट कैसे करते हैं मशीन पे, तो आपको क्या करना होता है, डाई लेनी है, डाई लेके मशीन पे डाई रखनी है और उसके साथ अपर पंच अलाइनमेंट करके देखना है, मतलब वो डाई में बराबर जा रहा है कि नहीं, अगर जा रहा है तो उसी से धीरे धीरे पंच से उसको डाई को फिक्स करना है और उसकी अलाइनमेंट सेम रखनी है। अगर आपको डाई लूज है, डाई थोड़ी सी घूम गई, तो पंच टिप और डाई ग्रू ये मैच डाई होल जो होता है वो मैच नहीं होगा और फिर पंच या डाई आपकी डैमेज हो सकती है। तो आपको सेफ पंचेस के टाइम पे हमको अपर पंच और डाई दोनों एक साथ मिला के उनको मैच करके ही इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो ये की का मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कि सेफ जब भी फॉर्मुलेशन शेप आता है तो उसी केसेस में हमको ये की आती है, और की हाइट कम ज्यादा कैसे करनी है, तो हमको ये जो यहाँ एलन की यूज करके उसकी हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये की जो टरेट पे जो पंच होल है उसमें एक की होल भी रहता है छोटा सा, तो उसी में ही ये मैच होता है। बहुत बार क्या होता है कि वो वियर एंड टियर होने के कारण अगर मैच नहीं हो रहा है तो कभी उसकी हाइट कम करनी पड़ती है और कभी ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए ये प्रोविजन दिया गया है। तो ये नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि
उनका मैन्युफैक्चरर, पंच शेप, मतलब साइज, सीरियल नंबर और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये मैन्युफैक्चरर का नेम है, ये सीरियल नंबर है और ये पंच साइज है और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि किस मैन्युफैक्चर से आया है ये हमको पता चलेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, पंच साइज और सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर इसलिए होती है दोस्तों कि जब भी पंच रोटेशन किस रोटेशन से आया है और किस रोटेशन से लगा है, इसके लिए इनकी सीरियल नंबर बहुत ही जरूरी है। और ये सीरियल नंबर जैसे आप ये डाई पे देख रहे हैं, इसी तरह अपर पंच में भी होती है और लोअर पंचेस में भी होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, जैसे 19 नंबर है तो 19 नंबर आपको फॉर एग्जाम्पल एक नंबर स्टेशन पे लगाया मशीन पे, तो 19 नंबर अपर पंच लगेगा, 19 नंबर लोअर पंच लगेगा और 19 नंबर डाई लगेगी। तो ये सीरियल वाइज ही हमको मशीन पे इंस्टॉल करना है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं पंच ऐसी है जो हमने अलग पोजीशन में रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अपर पंच में और लोअर पंच में क्या डिफरेंस है, अपर पंच और लोअर पंच में डिफरेंस क्या है हमको वो देखना है। तो ये आपके सामने ये अपर पंचेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ये है कि देखो, अपर पंच की जो ये स्टेम है यहां कितनी छोटी सी है, इतनी सी है ना। लोअर पंच में जो स्टेम होती है अपर पंच से वो थोड़ी ज्यादा लंबी होती है। इसलिए लंबी होती है कि जब मशीन पे टैबलेट इजेक्ट करनी है तो उसको डाई से बाहर आके टैरेट पे टैबलेट इजेक्ट करना होता है। इसलिए अपर पंच की से कंपैरिजन में लोअर पंच की हाइट ज्यादा होती है। तो वो मैं आपको यहाँ इमेज में भी दिखाऊंगा। कि लोअर पंच की जो स्टेम होती है वो मतलब अपर पंच से ज्यादा होती है। तो ये रीजन मैं आपको यहां मतलब आपको यहां शो करता हूं। जैसे कि ये इमेज है, तो इस इमेज में आपको ये देखो, वो आपने इमेज लास्ट की देखी जिसमें कि ये वाला इमेज देखो, इसमें अपर पंच की स्टेम बहुत ही छोटी है और ये इमेज देखो, इसमें जो लोअर पंच है इसकी स्टेम अपर पंच के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको ये भी और रीजन भी बताया कि इसकी जो स्टेम है अपर पंच से ज्यादा क्यों होती है। तो ये एक डिफरेंस था नॉमेनक्लेयर और जो पंच का है वो तो मैंने समझा ही दिया है आपको। ये हेड है, ये नेक है, ये बैरल है, ये की है, ये डस्ट कप ग्रू है और ये अपर पंच की स्टेम है। तो जैसे कि मैं पंच का आपको बताता हूं, पंच में भी अपर पंच में भी सेम मतलब ये देखो, मैन्युफैक्चरर का नेम है, पंच साइज है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको यहां साफ दिखाई पड़ रही है और ये सीरियल नंबर। तो ये सेम अपर पंच में भी होता है, लोअर पंच में भी होता है और डाई में भी होता है। तो इसलिए होता है कि हमको रोटेशन इनका सभी का सेम रखना है। ये आप यहां डाई में भी देख पा रहे हैं। तो ये कि यहां हम लोग एलिंग की यूज करके इसकी हाइट कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दूसरी ये बात है कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन चेक करके मैंने दूसरी वीडियोज की लिंक भी दी है, तो आप वो देख वहां क्लिक करके आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। तो ये बहुत इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपको यहाँ दो तीन सवाल के आंसर, जैसे कि
अपर पंच लोअर पंच में डिफरेंस क्या है, कि कहां होती है, उसकी हाइट कैसे कम ज्यादा करें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर का नेम, सीरियल नंबर, ये हमको कहां से पता चलता है, ठीक है, उसकी हाइट कम ज्यादा कैसे करें, उनका डिफरेंस, ये मैंने इस वीडियो में कवर किया था। ये आपको डाई का भी मैंने यहां दिखा दिया है, अपर पंच और लोअर पंच की स्टेम कम ज्यादा, उनका डिस्टेंस जो मतलब जो हाइट होती है कम ज्यादा इसलिए होती है कि लोअर पंच से हमको टैबलेट को इजेक्ट करना है, इसलिए उसकी हाइट अपर पंच से ज्यादा होती है। तो इस रिगार्डिंग आपके अगर कोई क्वेश्चंस या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उनका आंसर दे सकूं। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।